कुछ याद है? कल मेरा बर्थडे है। अरे हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है तुम्हारा बर्थडे। मैं क्या कभी तुम्हारा बर्थडे भूल सकता हूँ? बोलो, तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे एक आईफोन का बहुत शौक है। तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो कल मेरे बर्थडे पे एक आईफोन गिफ्ट करना। क्या आईफोन? बाबू, तुम तो ऐसा चौंक रहे हो जैसे तुम्हारा दोनों किडनी मांग ली हो। अगर तुम किडनी मांगी होती ना तो मैं दे देता, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं कितना गरीब घर का लड़का हूँ। अब अचानक से आईफोन में कहाँ से लाओ? मुझे इतना सब नहीं पता। अगर तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो मुझे कल एक आईफोन चाहिए। और अगर आईफोन नहीं दिए ना, तो जीवन में मुझे कभी कॉल मत करना। हेलो हेलो, फोन कट दी। अब कहाँ से लाऊं मैं आईफोन? क्या हुआ भाई, गर्लफ्रेंड कुछ ज़्यादा डिमांड कर दी? हाँ भाई, गर्लफ्रेंड का फ़ोन था, उनसे आईफोन मांग रही थी। आपके हाथ में जो है वो आईफोन है क्या? हाँ भाई, आईफोन है, आईफोन। भाई एक बार मुझे आईफोन छूना था, हम तो गरीब आदमी हैं, कहाँ से आईफोन खरीद पाएंगे? एक बार दे सकते हो आप? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई वाकई में ये फोन तो बहुत सुंदर है भाई, मैं इसे खोल के भी देखना चाहता हूँ, कैसे खुलता है ये? भाई इसमें पासवर्ड लगा हुआ। एक बार क्या आप पासवर्ड मुझे बता सकते हैं? सलाम, ठीक है, पासवर्ड है 7643। अरे वाह भाई, वाकई में ये फोन तो बहुत अच्छा है। ये लीजिए भाई आप अपना फोन। अरे क्या हुआ भाई? भाई मुझे लग रहा है ये रिक्शा खराब हो गया, क्या आप उतर के एक बार धक्का दे सकते हो भाई? ठीक है। थोड़ा जोर से भाई। अच्छा ठीक है। अरे चोर 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 चोर, मेरा आईफोन लेकर के चला गया, चोर चोर चोर। अरे यार ओके। हैप्पी बर्थडे जान। थैंक यू। मेरा गिफ्ट? तुम्हारा गिफ्ट आईफोन। ओह माय गॉड, तुम उसे इतना प्यार करते हो? अरे तोरा खातिर आईफोन का चांद तारा भी तोड़ के ला सकते हैं। सच हो? अरे हाँ जी। तुम बोली थी तुम्हारा भाई आएगा तो तुम मेरे लिए शादी की बात करोगी, तुम्हारा भाई आया कि नहीं? हाँ जान, कल शाम को ही भाई आए थे, लेकिन घर में बहुत टेंशन का माहौल था, इसलिए मैं अपनी शादी का बात नहीं कर पाई। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताए, कल शाम को जब भाई घर आ रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ता हरामी मेरे भाई का फोन चोरी कर लिया। छी 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 छी, कितना गंदा लोग है अपने समाज में, फोन चोरी कर लेता है। बाप रे बाप, हमसे तो ये सब कभी ना होगा। खैर चोरो, हमें ये सब टेंशन नहीं लेना है, हमें तो अपने शादी के बारे में सोचना है। हाँ जान, अब मुझे भी तुम्हारे बिना नहीं रहा जा रहा है, मैं आज ही अपने घर पे हमारी शादी की बात करते हैं। ओके जान, बाय, लव यू। लव यू टू, बाय बाय। आज ही कर लेना शादी को। आज ही कर लूंगी। बाय। अरे आलिया, कहाँ गई थी तू? भाई मैं आपको बोली थी ना कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसी से मिलने गई थी। देखिए वो मुझे आईफोन गिफ्ट किया है। अरे ये तो मेरा आईफोन है। ये क्या बकवास है भाई, आईफोन कंपनी एक ही आईफोन बनाती है क्या? आप कहना क्या चाहते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड चोर है? अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। सुनो, उससे मिलने जाया नहीं करो, समाज में हमारी बदनामी हो रही है। मिलने? मैं तो मिलने जाऊंगी, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उनसे शादी भी करनी है।
अच्छा ठीक है, तुम उसे बुला लो, मैं पिताजी से बोल करके तुम्हारी शादी फिक्स करा देता हूँ। ओके भैया, मैं उनको कॉल करके अभी बुला लेती हूँ। बुला। थैंक यू भैया। लगता है ये मेरा ही आईफोन है। खैर छोड़ो, कोई और लिया होगा। हेलो जान, मेरे भैया हम दोनों की शादी के लिए मान गए हैं। तुम आज ही अपने पापा को लेके आ जाओ। ओके, लव यू। बाबूजी, ये घर है हमर गर्लफ्रेंड। बड़ा बनिया घर हो। अरे आ गए आप लोग। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। हाँ खुश रहो। चलिए आप लोग अंदर। ओके। अच्छा था, आने ने तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना? कोई दिक्कत ना। अरे चोर 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 चोर, मेरा आईफोन लेकर के चला गया। चोर चोर चोर। अरे ये कौन है? ये मेरा बेटा है, अब मिठाई लाने के लिए बाजार गया हुआ है। हम थोड़ा बाथरूम से आते हैं। अच्छा ठीक है। हेलो, क्या रोशन भाई, शादी की बात अच्छे से हो रही है ना? अरे यार, क्या खाक अच्छे से बात चलेगी? क्यों, क्या हुआ? अरे अब खा बताओ तुम्हें, हम जिसका फोन चोरी किए थे ना, वो आलिया का भाई निकला। अरे वाह, तब तो तुम पे केस भी फाइल नहीं होगा, तुम्हारा साला तुम्हें आसानी से छोड़ देगा। अरे मजाक करना बंद करो, ये मजाक का टाइम नहीं है, और ये दिमाग लगाओ इस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे निकले। अगर आलिया के भाई को पता चल जाएगा मैं वही चोर हूँ जो उसका आईफोन चुरा कर खुद उसी के पोहर को गिफ्ट किया हूँ, तो ये शादी नहीं होने देगा। वो तो अच्छा हुआ कि अभी वो घर पे नहीं है, मिठाई लाने बाहर गया है, नहीं तो अभी मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता। अच्छा ऐसी बात है, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साले को रास्ते में ही रोक लेंगे। तुम उसका फोटो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो। ठीक है, थैंक यू दोस्त, मैं अभी फोटो भेज रहा हूँ तुम्हें। चलो पुलिस बनना है। हो गया बाबूजी। अरे जी, क्या क्या? अरे बाइक से कहाँ जा रहा है, और इस थैले में क्या है? सर इस थैले में मिठाई है, मैं अपना घर जा रहा हूँ। मिठाई की बम है? नहीं नहीं सर, इसमें मिठाई है, मेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं। विश्वास नहीं है तो सर चेक कर लीजिए। चेक तो करूंगा ही मैं, क्योंकि एक दिन एक लड़का चीनी बोल के बारूद ले जा रहा था, तो मिठाई बोल के बम ले जा रहा होगा। नहीं नहीं सर, इसमें मिठाई है सर, विश्वास नहीं तो चेक कर सकते है। हाँ माँ बोलो। हाँ माँ मैं जल्दी आ रहा हूँ। मैं तो ले चेक करो तो मिठाई है कि बम है। अभी चेक करते हैं, रे इनको खोलो तो। ये देखिए सर मिठाई है। तो मिठाई की तरफ बम लग रहा है,
एक बार खा के चेक करना पड़ेगा। इधर मिठाई था, जरूर इसमें कोनो बम होगा। चेक करो तो। अच्छा 2 मिनट दीजिए, तुरंत ही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आई आई। अरे सुनो, रोहन कब तक आएगा मिठाई लेके? अरे वो बोला कि जल्दी आ रहा हूँ, लेकिन पीछे से किसी ने बोला कि फोन कर। जरूर दोस्तों के साथ में मटर गस्ती कर रहा होगा, उसमें जरा भी बुद्धि नहीं है क्या? बहन को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं, इतना देर कहीं मिठाई लाने में लगता है? अरे जरा धीरे धीरे बात करो ना, वरना लड़के वाले क्या सोचेंगे। एक काम करें, आलिया को दिखा देते हैं, तब तक रोहन भी आ जाएगा। पागल वाली बात कर रही हो, बिना नाश्ता करवाए कोई लड़की दिखाता है क्या? पता नहीं कब तक आएगा। ससुर जी, अगर मिठाई आने में देर हो रही है तो कोई बात नहीं, आप जो है ना आलिया को लेके आइए, हम बुरा नहीं मानेंगे। अट्टा बाबू जी। हाँ बेटा, मिठाई उठाई कौन और का चीज है, आते रहेगा। अब थैंक यू बेटा, कितने समझदार हो। वाह बेटा, बहुत बढ़िया लड़की पढ़ा है। प्रणाम समधी जी। प्रणाम। जाओ बेटी, प्रणाम करो। खुश रहा बेटी, खुश रहा। जुग जुग जिया, बैठा बैठा। ओके। कहाँ तक पढ़ी हो बेटी? जी मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा बीए फर्स्ट ईयर। समधी जी, अपने के बेटी हमारा बहुत पसंद है, अपन बेटा के बिया अपने के बेटी से पक्का, हमरा के दहेज भेजना चाहिए। अच्छा बेटी ई लो रख। ओके। क्या देखता रे, अब तो तोहर बियाह होबे ना करे। उन्हें देख। अच्छा समधी जी, अब शादी का तैयारी किया जाए। ठीक है समधी जी, हम शादी का तैयारी करते हैं। अच्छा समधी जी, अब हम चलते हैं। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। चलो बेटा, चल चल चल, बियाह पक्का, बियाह पक्का। ये भी मिठाई था, जरूर इसमें कोनो बम होगा। ओके। खाओ तो। हेलो। हाँ भाई, मेरा शादी फिक्स हो गया, अब मेरे होने वाले सालों को छोड़ दो। काम हो गया? ठीक है, हो गया काम। और काम हो गया, सब मिठाई था, अब जाइए। सर ये एक मिठाई काहे छोड़े हैं, इसे भी खा लीजिए। लाइए खाते हैं। ओके। थैंक यू दोस्त, थैंक यू तुम दोनों को, आज तुम दोनों के चलते मेरा शादी फिक्स हो गया। दोस्त थैंक यू से काम नहीं चलेगा, चिकन पार्टी देना होगा। चिकन पार्टी? शादी फिक्स किया, चिकन पार्टी लगेगा। जरूर दोस्त, हम जरूर देंगे चिकन पार्टी, लेकिन दोस्त एक बार और तुम दोनों को मेरा मदद करना पड़ेगा। क्या बोलो? हम दोनों हमेशा रेडी है। हाँ कौन काम है जल्दी बताओ। देखो दोस्त, अगर शादी के दिन आलिया का भाई मुझे पहचान लिया ना, तो वो शादी नहीं होने देगा। तुम लोग वहाँ भी पुलिस बनकर आना,
और उसे पकड़ के लेके चल आना ताकि मैं आराम से शादी कर सकूँ। तू टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। ठीक है दोस्त, इतना हेल्प करने के लिए हम जाते हैं दोस्त। ठीक है। मेहमान जी मुंह क्यों छुपा रहे हैं? पता नहीं मेरा दोस्त अभी तक आया क्यों नहीं, ताकि मेरे साले साहब को पकड़ के ले जाए और मैं सही से शादी कर सकूं। अरे मेहमान जी मुंह क्यों छुपा रहे हैं आप? मैं नहीं आया, ये रिवाज है, ऐसे ही हम लोग शादी करते हैं। अच्छा, ऐसा भी रिवाज होता है। ठीक है ठीक है, तो आप मुंह पे रुमाल रख के ही शादी कीजिए। हाँ हाँ, मुंह पे रुमाल रख के ही शादी कीजिए। Okay. अच्छा तुम यहाँ आओ, तुम्हें को ढूंढ रहे। चलो थाना। परसों मैं किया क्या हूँ सर? वो तो तुम्हें थाना जाके पता चलेगा। थाने? मेरे बेटे को थाने क्यों ले जा रहे हो सर? उतना समझाने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो। रुक जाओ, किस थाने से हो तुम लोग? उतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी चलो थाना। रुक जाओ, ये देखो। पैन कार्ड है क्या? पुलिस वाला आईडी कार्ड तुमको प्रिंट करने जा रहा है। सॉरी आप, हम गलती से आ गए, दूसरे राउंड के को करने के चक्कर में आ गए। हाँ हाँ, गलती हो गया हम लोग से, चलो यहाँ से। नहीं मामा जी, यही दोनों बम के एग्जाम में हमको 3 घंटा बैठा के रखा था, इसे नहीं जाने देना है मामा जी। यही दोनों 3 घंटे रोके रखा था जी। हम रोशन मेरे गाने को रोके थे। अरे सदा, तुमको कौन बोला बोल रहे रे? अरे तुम तो वही चोर हो ना जो उस दिन मेरा आईफोन चुरा के लेके गया था। क्या तुम मुझे आईफोन चुरा के गिफ्ट किया था? ये करूंगी मैं तुम्हें फायदे। चोर है हरानी, अरे कुत्ता भी मैं बोले थे कौन चाहिए। मैं एक चोर से शादी नहीं करूंगी। चोर हरामी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। भगवान, अब हमारा क्या गलती है? हम तो गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए उसको आईफोन चुरा के गिफ्ट किए, सोचा उसे शादी करेंगे, लेकिन कर भी नहीं रहे हैं। गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ओके।